आज हम लोग और एक चीज देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि डॉकर में मोस्ट ऑफ द पीपल आर फेसिंग इशू कि डॉकर आपके विंडोज मशीन में चलता नहीं है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, राइट? तो बेटर अप्रोच ऐसा है कि आप उसको दो तरीके से कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप AWS में अकाउंट बनाओ, AWS में फ्री टायर अकाउंट बनाओ. फ्री टायर अकाउंट में जाके यू कैन स्पिन द इंस्टेंस. मैं यहाँ पे चला जाता हूँ AWS के डैशबोर्ड पे. AWS के डैशबोर्ड पे चले जाते हैं. यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ EC2 इंस्टेंस को, राइट? यहाँ पे मैं इंस्टेंस बना लेता हूँ. लेट्स से लॉन्च इंस्टेंस. ये मेरे इंस्टेंस का नाम दे दिया मैंने, ठीक है? अब इसको मैं Ubuntu पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मैं Ubuntu यूज कर रहा हूँ. मेक श्योर मैं फ्री टायर यूज करूँ. ये स्पेसिफिकली उनको, ये जिन लोगों को जो डॉकर सीख रहे हैं और सीखना है, राइट? और बहुत लोगों को इश्यू आ रहा है, राइट, टू सेटअप दिट. तो यहाँ मैं आपको दो तरीके बताऊँ जिसमें आप इसको फ्रीली आप यूज भी कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, राइट? पहला तरीका हम लोग ये जान लेते हैं. आप इसमें से कौन सा भी OS यूज कर सकते हो, Ubuntu यूज कर सकते हो, Red Hat भी यूज कर सकते हो, राइट? हम लोग Ubuntu यूज करते हैं. यहाँ पे भी मेक श्योर कि आपका इंस्टेंस टाइप है वो फ्री टायर हो, राइट? क्योंकि फ्री टायर में इट वोंट चार्ज यू, राइट? ओके, मैं मेरा की कर ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है सीक्रेट, तो मैं यूज कर लेता हूँ. अगर नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट प्रीपेयर करके आप अपना खुद का की पेयर भी बना सकते हो, ठीक है? ये मेरा बाय डिफॉल्ट मेरा नेटवर्क सेटिंग है, उसमें मैं एडिट कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे और एक ट्रैफिक भी मुझे अलाउ करना है. ऑल TCP मतलब ऑल ट्रैफिक अलाउड फ्रॉम एनीवेयर, सो दैट मैं इसको हर जगह से उसको एक्सेस कर पाऊँ. इसमें बहुत सारी चीजें और भी कर सकते हो लेकिन अभी फिलहाल आपको जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस के लिए बेस्ट, राइट? लॉन्च इंस्टेंस कर देते हैं इसमें. सी, कुछ टाइम लगा, तुरंत आपका इंस्टेंस रेडी, आपका इनिशियलाइज हो रहा है. देखो आ गया ना, सक्सेसफुल इनिशियलाइज द लॉन्च ऑफ इंस्टेंस. यहाँ पे हम उसको क्लिक कर देते हैं. अभी भी इन पेंडिंग स्टेट आ गई, देखो रनिंग स्टेट पे आ गया, DNS आ गया. लेट्स कनेक्ट करते हैं उसको SSH के थ्रू. यस, आ गया, मेरा कनेक्ट हो गया, है ना? रूट में चले जाते हैं हम उसको. अभी हमको इसको इंस्टॉल करना है, उसको इंस्टॉल करेंगे कैसे? तो एक काम करते हैं, इसको दो तरीके से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. एक डायरेक्ट तरीका भी है. सो लेट्स से हम लोग उसको APT पहले उसको हम लोग अपडेट कर देते हैं क्योंकि Ubuntu नथिंग बट उसका एप रेपोजिटरी है, राइट? इट्स अ डेबियन बेस्ड सिस्टम. तो मेक श्योर आप उसको एक बार अपडेट कर लो तो क्या सारी की सारी रेपोजिटरी ना फ्रेश हो जाए, ठीक है? जैसे कि Ubuntu में है तो हम APT अपडेट यूज करते हैं. अगर आप CentOS मतलब Red Hat का कोई रिलीज यूज करते हो, लेट्स से CentOS है या Fedora है, तो यू यूज यम अपडेट, राइट? कंट्रोल L, भी हम यहाँ के यहाँ पे APT इंस्टॉल. बाकी बहुत सारे वेबसाइट पे ना बहुत लॉन्ग लॉन्ग स्टेप दिए गए, हम लोग इसको शॉर्टकट में इसको इंस्टॉल करेंगे आज. APT इंस्टॉल docker.io-y. बहुत सारे वेबसाइट पे आपको कम से कम 6 से 7 स्टेप दिए डॉकर इंस्टॉलेशन करने के. यहाँ पे हम एक सिंगल कमांड में इसको इंस्टॉल करेंगे. राइट, डन. अभी हमारा डॉकर इंस्टॉल हो गया. नेक्स्ट से सिंपल एक कमांड डालो, docker-v. आ गया, एक कमांड बात खत्म, राइट? यहाँ पे लेट्स से मैं देख लेता हूँ मेरे पास कोई इमेज है, डॉक्टर इमेजेस, नो आई डोंट हैव एनी. लेट्स पुल वन इमेज, मैं यूज कर रहा हूँ Ubuntu. लेट्स पुल द CentOS इमेज फ्रॉम द Ubuntu. सी,
इट्स वर्किंग राइट। बहुत सारे इसलिए ये सिंपल चीज है, एक कमांड में आपका डॉकर इंस्टॉल, ये कमांड डालना है आपका हो जाएगा ठीक है। ये हुआ फर्स्ट तरीका यूज करने का। सेकंड तरीका मैं बताता हूं, यहां पे चले जाओ, गूगल डालो, सर्च मारो डॉकर प्ले ग्राउंड, गो टू डॉकर प्ले ग्राउंड राइट। अरे यहाँ पे आप कुछ इसको यूज कर सकते हो राइट, मैं उसको मेरे और एक इसमें ले लेता हूँ, यस डॉक्टर प्ले ग्राउंड ठीक है। इसका लिंक है play-with-docker.com, आ गया। आपको इसको करना है लॉगिन, उसके लिए आपका अकाउंट होना चाहिए डॉकर हब पे। डॉकर हब पे वैसे भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, इफ यू आर बिल्डिंग योर ओन इमेज राइट, तो आपको उसको पुश करने और स्टोर करने कहीं ना कहीं जाइए राइट। तो डॉकर हब इज नथिंग बट योर मार्केट प्लेस, ऐसे हम लोग एंड्रॉयड और एप्पल के जो एप्लीकेशन है उनके स्टोर से मार्केट प्लेस से इंस्टॉल करते हैं, सेम चीज यहाँ पे हम लोग डॉकर की इमेज, जो हम लोग डॉकर पूल करते हैं तो इमेज लाता किधर से, डॉकर हब से लाता है ठीक है। स्टार्ट पे के ऊपर क्लिक कर दो, जैसे स्टार्ट पे क्लिक करते हो यहाँ पे वो आपके लिए एक लैब रेडी कर देगा, 4 घंटे का आपको एक्सेस मिलता है राइट। यहाँ पे आप क्लिक करो न्यू इंस्टेंस राइट, सी मेरा इंस्टेंस बन के रेडी हो गया है ना, यहाँ पे मैं डाल दूं और यहाँ पे आपका डॉकर ऑलरेडी इंस्टॉल रहेगा तो आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। सी डॉकर इमेजेस डाला तो कुछ नहीं है, लेट्स से यहाँ पे डॉकर पुल में करता हूँ, लेट्स से एनजीएनएक्स है ना, कोलम उसका अल्पाइन करते आ गया है ना डॉकर इमेजेस। लेट्स से इसको रन कर दे, डॉकर रन हेलो हाइपन वर्ल्ड सी है ना। सो दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द बेस्ट वे कि जिससे कि आप अपना जो भी एप्लीकेशन है आपका डॉकर है आप उसको इजीली रन कर सकते हैं यहाँ पे जाकर ठीक है। तो दो तरीके मैंने आज आपको बताया, एक कि AWS फ्री टायर पे साइन अप करो, वहां पे एक फ्री टायर इंस्टेंस बनाओ राइट, और वहां पे जाके आप डॉकर इंस्टॉल करो विद अ सिंगल कमांड और आप उसको प्रैक्टिस करो। सेकंड डॉकर प्लेग्राउंड पे जाओ, वहां पे जाओ और आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो राइट। दीज आर टू इजी वे टू गेट स्टार्टेड राइट। सो आई डोंट थिंक अभी कुछ वेट करने की जरूरत है, सीधा जाओ प्रैक्टिस करो है ना। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू पिंग अस।